नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयदशमी आज अधिकांश जगहों पर कोरोना के चलते नहीं होगा सार्वजनिक रावण दहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दी शुभकामना। मन की बात में बोले पीएम मोदी, दशहरा संकटों पर विजय का उत्सव, त्योहार पर सैनिकों के लिए जलाए एक दिया, खरीदारी के लिए वोकल फॉर लोकल को रखें याद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस आज, संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने नागपुर में की शस्त्र पूजा। कोरोना के चलते देश भर में कहीं और भी नहीं हुआ पथ संचलन, लेकिन पारंपरिक रूप से संघ की शाखाओं में हुआ शस्त्र पूजन। सीएए के विरोध में बोले मोहन भागवत, इससे किसी को कोई खतरा नहीं, कहा राम मंदिर पर फैसले और भूमि पूजन को देश ने किया शांति से स्वीकार, कोरोना पर की सरकार की तारीफ। संघ प्रमुख भागवत ने चीन पर थपथपाई पीएम मोदी की पीठ, कहा इस बार भारत ने जो धक्का दिया उससे सहम गया है ड्रैगन, कहा स्वदेशी नीति की सफलता के लिए वोकल फॉर लोकल का पालना जरूरी है। विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा की, कहा एलएसी पर तनाव खत्म होना चाहिए लेकिन हमारी सेना किसी को भी देश के एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी। 31 अक्टूबर से शुरू होगा विधानसभा सत्र, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पारित हो सकता है प्रस्ताव, संशोधित कृषि कानून पर लग सकती है मुहर। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की घोषणा, 21 जिलों में 4 चरणों में होंगे चुनाव, 8 दिसंबर को होगी मतगणना, चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू। पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ेगी कांग्रेस, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार, सरकार के कामकाज पर जनता लगाएगी मुहर। भाजपा ने 29 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, निगम चुनाव में पार्टी के खिलाफ खड़े होने पर की कार्रवाई, निगम चुनाव में बागी पड़ सकते हैं भारी। दशहरा पर्व पर कोटा के नाता इलाके में निभाई गई प्राचीन परंपरा, पैरों से कुचला गया रावण। आईपीएल क्रिकेट सट्टे पर जयपुर पुलिस ने फिर कसी नकेल, हरमाड़ा इलाके में सट्टा लगाते 4 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 1.5 करोड़ के हिसाब के साथ ही मोबाइल, लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद किए। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया, डकैतों के पास से एक स्कॉर्पियो भी हुई बरामद, सभी डकैत बताए जा रहे हैं यूपी के निवासी। बिहार विधानसभा चुनाव में शुरू हुई खूनी खेल, जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी और समर्थकों को गोलियों से भूना, लोगों ने हत्यारे को पीट कर मार डाला। बिहार के रण में सीएम नीतीश पर चिराग पासवान का हमला जारी, चिराग का बड़ा ऐलान, जहां एलजेपी प्रत्याशियों ने ना हो वहां बीजेपी को वोट दें। संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया, कहा सुरक्षा परिषद से आग्रह करता हूं वो जम्मू और कश्मीर पर यूएनएससी के प्रस्तावों को लागू करने के लिए अपने नैतिक, कानूनी, राजनीतिक और राजनयिक अधिकार का इस्तेमाल करें। अफगानिस्तान में अलकायदा का नंबर 2 कमांडर अबू मुहसिन अल मसली मारा गया, वो एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था, उस पर अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अमेरिकी नागरिकों की हत्या का आरोप था। दुनिया में अब तक सामने आए कुल कोरोना मामलों में से 18% मामले भारत में हैं, देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 78,64,000 पहुंच गई है, इनमें से 1,18,534 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 50,129 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 578 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। अच्छी बात यह है कि भारत में हर दिन संक्रमण के जितने मामले सामने आ रहे हैं उससे करीब 25 से 30% ज्यादातर मामले संक्रमित मरीज जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 70,78,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या करीब 10 गुना ज्यादा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10,000 के आंकड़े को पार कर गई है, इनमें से जान गंवाने वाले 85% मरीजों की उम्र 50 से ज्यादा है, मुंबई में अब तक कुल 2,50,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं।
आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने लगभग हारी हुई बाजी को अपने नाम कर लिया और सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हरा दिया। पंजाब की ये लगातार चौथी जीत है। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। चेन्नई की टीम 11 में से 8 मुकाबलों में हार का सामना करने के बाद टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुकी है। ऐसे में चेन्नई की कोशिश बेंगलुरु के खिलाफ जीत दर्ज कर सम्मान हासिल करने की होगी। वहीं आईपीएल में आज ही राजस्थान रॉयल्स की टक्कर मुंबई इंडियंस के साथ होगी। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए राजस्थान रॉयल्स को आज के मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। वहीं मुंबई जीतने के बाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी। फटाफट खबरों की ओर। भाजपा के जिला कार्यालयों का शिलान्यास उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर डॉक्टर सतीश पुनिया प्रदेश प्रभारी और भवन निर्माण समिति सदस्य भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। सीकर जिले के दादिया थाना इलाके के लखीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में दो लोगों के गंभीर रूप से चोटें आई। वहीं इस मारपीट का अब वीडियो भी सामने आया है। भीलवाड़ा के ओडो का खेड़ा में एक युवक की हत्या को लेकर मामला गर्मा गया। ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सूचना केंद्र चौराहे पर उग्र प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कोटा में इन दिनों आवारा मवेशियों ने आतंक मचा रखा है। दो सांड लड़ते लड़ते कार से जा टकराए, लेकिन गनीमत ये रही कि उस समय काम में कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कोटा में कोरोना काल में भी यूआईटी द्वारा विकास के नाम पर पेड़ों की बलि दी जा रही है। मामला इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के साथ बनाई जा रही राजीव गांधी नगर सेकंड का है, जहां जेसीबी से छायादार और विशाल पेड़ों को जमींदोज कर दिया गया है। बारा के अंता में पुलिस अधिकारियों ने यौन अपराधों के रोकथाम को लेकर युवा वर्ग के साथ बैठक की। युवाओं को यौन अपराधों की जानकारी दी, ताकि दुष्कर्म जैसी घटनाओं को रोका जा सके। किशनगढ़ बास में घाटा बम्बोरा स्थित अर्चट देवी माता मंदिर विकास समिति के तत्वाधान में चतुर्थ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि जीवनधारा ब्लड बैंक अलवर के सानिध्य में शिविर लगाया गया, जिसमें 92 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। किशनगढ़ बास के व्यापारी विधायक दीपचंद खेरिया और एसडीएम से मिले और त्योहारी सीजन में बाजार को पूरी तरह से खोलने की मांग की। अलवर के किशनगढ़ बास में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। अलवर जिले में सबसे ज्यादा पैदावार लाल प्याज की होती है, फिर भी महंगा हो रहा है। यहाँ लाल प्याज 20 रुपए किलो से बढ़कर 60 रुपए किलो तक थोक में बिक रहा है। पोखरण के रामदेवरा में बाबा रामदेव के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। नवरात्रा की नवमी को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए। नागौर के परबतसर पहाड़ों पर स्थित केवाय माता किंसरिया पर नवरात्र के नौवें दिन भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा। भक्तों ने मंदिर में माता से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की। नागौर के टीडवाना स्थित पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर में दीनदयाल दलाल की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजन हुआ। राजकीय बांगड़ अस्पताल के ब्लड बैंक और जयपुर की संतोखबा दुर्लभजी ब्लड बैंक में रक्त का संग्रह किया गया। अजमेर में पुष्कर रोड पुलिस चौकी स्थित प्रगतिशील राजपूत समाज के तत्वाधान में दशहरा का उत्सव मनाया गया। साथ ही शस्त्रों का पूजन और माता चामुंडा के त्रिशूल तलवार की भी पूजा की गई। अलवर के किशनगढ़ वास स्थित ग्रामगंज में रामायण पाठ का आयोजन हुआ। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण रामलीला का मंचन नहीं हो पाया। श्रीराम का राज्य अभिषेक 26 अक्टूबर को किया जाएगा। भरतपुर में भाजपाइयों ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। इस दौरान निर्माणाधीन जिला कार्यालय में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर के राजगढ़ में स्वास्तिक हाल में गरबा और डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। बालिकाओं ने अपने डांस के जरिए मां दुर्गा के रूपों को साकार किया। जैसलमेर में जागरूकता के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अलवर और खैरथल मंडियों में एमएसपी पर किसानों की कपास खरीद के लिए खरीद केंद्र स्वीकृत किए हैं। भारतीय कपास निगम लिमिटेड की ओर से स्वीकृत मिली है। झालावाड़ के मनोहर थाना में रावण दहन को लेकर उपखंड अधिकारी से अनुमति नहीं मिली। कोरोना के चलते अनुमति नहीं मिलने से कई हिंदू संगठनों में रोष देखा जा रहा है।
राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कोटा के साहित्यकार बशीर अहमद मयूख 94 साल के हो गए हैं। जन्मदिन पर संगोध विधायक भरत सिंह ने बशीर अहमद मयूख को शुभकामनाएं दी। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। विधायक घोगरा और आयुक्त राजपुरोहित ने रैली को हरी झंडी दिखाया। अजमेर में कुंदन नगर मुख्य मार्ग रोडवेज बस डिवाइडर पर चढ़ गई, कई यात्रियों को मामूली चोटें आई। हादसा ड्राइवर की अचानक तबीयत खराब होने से हुआ। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के रूरू गांव में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। शव को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। प्रशिक्षु आरपीएस इंदु लोधी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जालौर में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। कई महीनों से डरा धमकाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था। भाजपा के विभिन्न संगठनों की ओर से सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत बोली सीएचसी पर फल वितरित किए गए। वहीं भाजपा नेता केदार मीना के नेतृत्व में सीएचसी स्टाफ को सम्मानित किया गया। गोगुंदा के सेमटाल निवासी गणेश लाल पालीवाल साइबर ठगी के शिकार हो गए। ठगों ने उनके बैंक खाते से 39,000 रुपए उड़ा दिए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के भटवाड़ा मोड़ पर दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। लाडनू में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से 50 साल के मरीज का बच्चेदानी की गांठ का सफल ऑपरेशन किया गया। 3 दिन बाद छुट्टी देकर मरीज को घर भेजा गया। डूंगरपुर की भीमई के दादरोडा गांव में अजगर आने से हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर हरीश दवे और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू किया। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने अहीर मोहल्ले में जनसुनवाई की, मौके पर ही समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अलवर में खैरतल के गिरवास गांव में हीरालाल सांगा ने देवी मां भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। नवरात्र के दौरान मंदिर में हवन और यज्ञ किया गया। नागौर कलेक्टर ने गाड़ी रोककर रैंक पर चल रहे बुजुर्ग की आंखों का इलाज करवाने का भरोसा दिलाया। मौके पर ही कलेक्टर ने सीएमएचओ से मोबाइल पर बात करके इलाज करवाने का आदेश दिया। पिड़ावा इलाके के जेताखेड़ी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से एक भैंस की मौत हो गई। गांव में लंबे समय से हाई टेंशन लाइन का पोल क्षतिग्रस्त है। झालावाड़ के पिड़ावा इलाके के खटकड़ गांव में एक किसान खेत में अचेत पड़ा हुआ मिला। प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर कर दिया गया। लाडनू में एसडीएम राम अवतार कुमावत ने ग्राम पंचायतों में चल रहे मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण किया। जसवंतगढ़ से लेड़ी सड़क पटरी निर्माण कार्य पर कई मौजूद मजदूर गैर हाजिर रहे। लाडनू में एसडीएम राम अवतार कुमावत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों का निरीक्षण किया। खुले में जीवन यापन कर रहे लोगों को सुविधा देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। नागौर के पुलिस थाना जायल में सामुदायिक समन्वय समिति की बैठक हुई। कोरोना संक्रमण के चलते गाइडलाइन के साथ घर पर पर्व मनाने का संकल्प लिया गया। धौलपुर में बाड़ी मार्ग पर चांदपुर मोड़ के पास ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दंपति समेत दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया। लाडनू एसडीएम राम अवतार कुमावत ने ग्राम पंचायत रिंगड़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ई मित्र धारक अनुपस्थित मिला। बहरोड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर अनियंत्रित डंपर सीमेंट से खड़े ट्रेलर ने जा घुसा। डंपर के केबिन में फंसे ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। नागौर में मौलासर के दीनदारपुर गांव में विश्राम गृह और सामुदायिक शौचालय का लोकार्पण किया गया। विधायक मुकेश भाकर और सरपंच ने फीता काटकर सुविधाओं को जनता को समर्पित किया। डीडवाना में बीजेपी मंडल कोलिया के कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह का आयोजन किया। 1600 मीटर दौड़ और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय लाडनू में सतर्कता समीक्षा और निगरानी समिति की बैठक हुई। समीक्षा बैठक में 120 वीसीआर मामलों का निस्तारण हुआ। चुरू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष पूनिया के जन्मदिन पर मंदिरों में पूजा अर्चना की। कन्या पूजन के साथ हनुमान चालीसा का संगीत में पाठ कराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के तहत करौली में सफाई अभियान चलाया। कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया।
अजमेर के विजयनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की जयंती मनाई। शेखावत को श्रद्धांजलि देकर उनके कार्यों को याद किया। टोंक के उनियारा थाना इलाके में हुई बालिका की मौत मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार की मांग लगाई और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। लाडनू की हीरावती गांव में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक 6 महीने से मानसिक तौर पर परेशान था। तालुका विधिक सेवा समिति लाडनू के तत्वाधान में ऑनलाइन विधिक जागरूकता शिविर हुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर बिश्नोई ने कहा कि कोरोना के चलते न्यायालय में सुनवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन की जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं फटाफट खबरों का। प्रतापगढ़ जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हतुनिया थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 1 देसी पिस्टल, 2 धारदार चाकू और जिंदा कारतूस जब्त किए। माय फाइनेंस क्लब ब्यावर में 13 लाख रुपए का गबन करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। सुमेरपुर पंचायत समिति के सरपंचों की बैठक हुई। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, कोरोना महामारी से बचाव के लिए आमजन में जागरूकता पैदा करने और सरपंच संघ की कार्यकारिणी का गठन करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। जालौर जिले के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 21 सहायक उप निरीक्षक और 22 हेड कांस्टेबल का तबादला कर दिया गया। ACP श्याम सिंह ने ये आदेश जारी किए। भिवाड़ी में विशाल कार रैली निकाली गई, जिसके जरिए पोलियो और कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जागरूकता फैलाई गई। रैली में रोटरी क्लब भिवाड़ी के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन की गई। सीकर में 40 भाग्यशाली बेटियों को टैबलेट वितरित किए गए। साथ ही मदनलाल बियानी बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय के विकास को लेकर 51,000 रुपए की राशि भेंट की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य किया। उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बच्चों को फल और बिस्किट वितरित किए। भीलवाड़ा के ओडो के खेड़ा में एक परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि मृतक की मां सहित 3 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। भवानी मंडी इलाके में कोरोना पर आस्था भारी पड़ती नजर आई। दुधाखेड़ी माता मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचे भक्तों ने कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की कामना की। प्रतापगढ़ में उत्कर्ष संस्था की ओर से 13 प्रतिभावान छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया गया। विद्या निकेतन विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति की जमकर सराहना की। धौलपुर पुलिस लाइन में आवाज अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी दी गई, साथ ही महिला अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर प्रेरित किया गया। नागौर जिले के गच्छीपुरा इलाके में चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और चोरी की वारदातों का खुलासा करने की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार 1 महीने पहले भी आश्वासन मिला था, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना जागरूकता को लेकर मांगरोल नगर पालिका के तत्वाधान में पदयात्रा निकाली गई, जिसमें जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों को मास्क बांटे गए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की गई। प्रशिक्षु RPS लक्ष्मी सुथार ने चाकसू थाने में CLG सदस्यों की बैठक ली। बैठक में दशहरे पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराने की अपील की गई, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की गई। बांसुर तहसीलदार जगदीश बैरवा की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम ने 250 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने तहसीलदार और सरपंच का आभार व्यक्त किया। बाड़मेर की सदर थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर 10 बाइक बरामद की है। भाजपा ने नगर परिषद नागौर के चुनावों के लिए अपनी तैयारियों को गति दे दी है। चुनाव को लेकर भाजपा नागौर शहर मंडल ने 60 वार्डों के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। भाजपा कांग्रेस बोर्ड में हुआ भ्रष्टाचार को भी जनता के सामने लाएगी। मांगरोल क्षेत्र के ईश्वरपुरा गांव में नाली में पड़े 5 माह के भ्रूण का पोस्टमार्टम करवाया गया और इसके बाद दफना दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
प्रतापगढ़ में 3 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है तो वहीं 4 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। अभी जिले में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की प्रतिशत 91 है। रामगंज मंडी पुलिस ने गश्त के दौरान जुल्मी तिराहे पर संदिग्ध अवस्था में घूम रहे युवक को पकड़ा और उसकी जेब से अवैध देसी पिस्तौल को बरामद कर लिया। युवक अंबेडकर चौराया निवासी अक्षय गोडाला है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। झालरापाटन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से गृहमंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। धौलपुर के गांव ढीमरी से 21 नाबालिग लड़कियों को संदिग्ध स्थिति में दस्तियाब किया है। इसके बाद पुलिस लाइन में बाल कल्याण समिति की ओर से इनकी काउंसलिंग की गई। नागौर जिले के गुनिंदसर के नूंद में सरपंचों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक विजयपाल सिंह ने सभी जीते हुए सरपंच को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में सरकार की ओर से उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। कोटा की नयापुरा थाना पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है जो अपने साथ 30 सेंटीमीटर का चाकू लेकर घूम रही थी। पुलिस चाकू रखने वाली महिला से पूछताछ कर रही है। रोहिताश कुमार मीणा को राष्ट्रीय मीणा छात्र महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें सदस्यता अभियान चलाकर मीणा छात्रों को महासभा से जोड़ने और राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल का गठन करने के लिए भी कहा गया है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।